ये है दिल्ली दर्पण। ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। इस वर्ष देश 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। जश्न आजादी के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे का आह्वान किया। इस आह्वान को लेकर निजी स्कूल भी कितनी उत्साहित है, अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन स्कूल की ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। स्कूल ने अपने प्रांगण में जश्न आजादी को सेलिब्रेट किया तो स्कूल की प्रबंधन कमेटी, अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख पदाधिकारी और ट्रस्टी भी शामिल हुए। सभी ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सोसाइटी के प्रधान अनिल गुप्ता ने समाज और सोसाइटी ने उन प्रमुख लोगों को भी याद किया जिनकी वजह से आज ये भव्य स्कूल शानदार सफलता से चल रहा है। चांद किशोर जी ने भी काफी मेहनत करी, इसके अलावा जो हमारे काफी गणमान्य व्यक्ति है जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस संस्था को काफी ऊंचाइयों को पहुंचाने में जो हमारे वो प्रेरणा बने, और हम आज उसी पथ पे चल के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा स्कूल बने, ऐसे हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें कि किसी टाइम के अंदर उनका नाम देश में नहीं विदेश में भी हो। आपने देखा होगा कि पहली बार हमारे बच्चों ने इतना सुंदर एथलीट का प्रोग्राम किया। हमारी एक बिटिया कनिष्का त्यागी पेरिस में बैडमिंटन के लिए चुनी गई और वो पेरिस में इसमें बैडमिंटन का वो कर रही है। ऐसे स्विमिंग के अंदर हमारे एक बेटे ने गोल्ड मेडल दिल्ली स्टेट में लिया। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने एथलीट में इन सब में भाग लेके अपने स्कूल का बहुत नाम रोशन किया है। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने मंच से शानदार प्रस्तुति दी। बच्चों ने शहीदों को याद ही नहीं किया बल्कि उन्हें वे कितना जानते और कितना मानते हैं इसका भी जिक्र किया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं है, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। स्कूल मैनेजमेंट और समाज के प्रमुख लोग भी बच्चों की प्रतिभा से प्रभावित हुए। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन पवन अग्रवाल और मैनेजर राकेश गुप्ता ने भी टीचर्स और स्टाफ की तारीफ की और बच्चों को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस देश के स्वतंत्रता के वास्ते हम प्रार्थना करते हैं और आपसे एक आश्वासन चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो और इस राष्ट्र की एकता के लिए, इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, इस राष्ट्र के विकसित होने के 2047 के मोदी जी के सपने के लिए हम होंगे नहीं मगर आप सब जरूर होंगे और उसको पूर्ण करके दिखाएंगे। तालियां बजाकर मैं इस बात का आश्वासन दो। जय हिंद। इसलिए हमें देशभक्ति की भावना से होकर दिया है और निश्चित रूप से जितना सुंदर और संक्षिप्त होते हुए जितना बहुत बढ़िया इकट्ठे कार्यक्रम था उसके लिए निश्चित रूप से हमारे यहाँ का स्टाफ, हमारे बच्चे, हमारे सब प्रिंसिपल मैम, हमारे सब बधाई के पास है
ज्यादा समय ना देते हुए आप सभी को पुनः यहाँ पधारने के लिए समय निकालने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जश्न आजादी के इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का तो परिचय दिया ही, साथ ही ये भी दिखाया कि देश की आजादी का महत्व क्या है, कैसे शहीदों ने आजादी हासिल की। स्कूल में ऐसे आयोजन करने का मकसद भी यही होता है। अपने बच्चों की प्रतिभा और स्कूल स्टाफ की मेहनत से मैनेजमेंट बेहद खुश है। मैं समझता हूँ बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं और जो उनके टीचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि इतनी सुंदर ढंग से बच्चों ने जो शिव जी का नृत्य है और सब चीज़ें की है। ये वाकई में आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पे बच्चों ने बड़ी उमंग के साथ और बड़े अच्छे उससे आज जो उन्होंने ये प्रदर्शन अपना ये रोल किया उसके लिए पूरी मैनेजमेंट और पूरे के पूरे सब लोग उनके बच्चों का धन्यवाद भी करते हैं और उनके आभारी भी हैं। आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ उसके बारे में यही कहूँगी कि एक छोटा सा प्रयास था बच्चों को अवगत कराने के लिए कि फ्रीडम का मतलब क्या है, हमने फ्रीडम कैसे ली। और जो भी हमारे ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, CBSE की तरफ से आ रहे हैं, जैसे हर घर तिरंगा एंड हॉरर ऑफ पार्टीशन, उनको वो बताया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं जिससे उनको अवगत करवाया जा रहा है कि ये फ्रीडम आई कहाँ से, कैसे मिली। सो आई थिंक द होल प्रोग्राम वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज व्यूज। इस मौके पर स्कूल में हर घर तिरंगा अभियान पर ट्रस्टियों ने हस्ताक्षर भी किए, साथ ही बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प लें और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।